गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Dispersion, that is range deviation, mean deviation, caudal deviation and standard deviation. Now carrying further, we'll be finding the coefficient of variation. The formula for it is S upon X bar multiplied by 100. Coefficient of standard deviation ki formula thi S upon X bar. Variation se to multiply by 100 we got to find. Yahan pe basically do data sets diye honge जिसे मुझे यहाँ पे कंपेयर करना होगा, वेरिएशंस दोनों में फाइंड करना, स्टेबिलिटी है कि नहीं, कितना वेरिएशंस है वो हमें चेक यहाँ पे करना है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 19। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ रन स्कोर बाय टू बैट्समैन ए एंड बी इन 10 इनिंग्स डिसाइड हु इज मोर कंसिस्टेंट, यहाँ पे है वो फाइंड करना, स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा है वो फाइंड करना है। बैट्समैन ए के आपको रन दिए हैं, बैट्समैन बी के आपको रन दिए हैं, पहले आप फाइंड कर लो उसका एक्स बार। ओके, फिर सी जो उन्होंने किया है एक्स बार फाइन कर लेते हमने, तो एक्स बार आ गया 44। देन उन्होंने कॉलम डिविएशन से किया है एक्स माइनस एक्स बार, हर एक नंबर्स को ऑफ एक्स आई को माइनस किया एक्स बार के साथ। 25 माइनस 44 इज माइनस 19, 50 माइनस 44 इज 6, 45 माइनस 44 इज 1, 30 माइनस 44 इज माइनस 14, 70 माइनस 34 इज 26, 42 माइनस 44 इज माइनस 2, 36 माइनस 44 इज माइनस 8, 48 माइनस 44 इज 4, 34 माइनस 44 इज माइनस 10, 60 माइनस 44 इज 16। फिर बाजू में से स्क्वायर कर लिया, नेक्स्ट कॉलम स्क्वायर कर लिया सबका, प्लस किया तो गॉट टोटल ऑफ 1710 टोटल मिला मुझे यहाँ पे। ओके, सेम वे बैट्समैन बी का भी उन्होंने पहले एक्स बार फाइन किया, फिर एक्स आई को एक्स बार से माइनस किया। ओके, हर नंबर के एक्स आई को माइनस किया एक्स बार में से। ओके, देन स्क्वायर कर दिया। देन बैट्समैन ए एक्स बार आया था 44, बैट्समैन बी का एक्स बार था 53। बैट्समैन ए का स्टैंडर्ड डिवीएशन अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट 1710 अपॉन एन, दैट इज 171, रूट किया था 13.076 और मिस 13.08। बैट्समैन बी का सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन उसका था 5928 अपॉन 10, 592.8 उसका रूट किया तो आंसर है 24.3475 मतलब 24.35। दोनों का मुझे फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस।
S upon X bar multiplied by 100, S upon X bar multiplied by 100. वैल्यूज पुटअप की तो बैट्समैन ए का वेरिएशन का आंसर आया 29.72, बैट्समैन बी का वेरिएशन का आंसर आया मेरा 45.94। हमें पूछा है कौन सा कंसिस्टेंट है, वेरिएशन नहीं पूछा है, हमें कंसिस्टेंस पूछा है, तो जो सबसे छोटा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट आंसर में माना जाता है। सो बैट्समैन ए का आंसर काफ़ी छोटा, दैट इज 29.73%। सो वी गॉट टू राइट द सेंटेंस एज सीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बैट्समैन ए इज लेस, सो बैट्समैन ए इज मोर कंसिस्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 20, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर टू वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, मीन टाइम दे के रखा है, मतलब एक्स बार दे के रखा है, दो एक्स बार दे के रखे है, दो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब दो एस दे के रखा है। हमें फाइंड करना है किसमें फ्लक्चुएशन या वेरिएशन यहाँ पर ज़्यादा है। वन सेकेंड, आपको सी वी फाइंड करना है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में सी वी। ओके, एस अपॉन एक्स बार पहले फाइंड किया वर्कर ए का, तो आंसर आया 20%, फिर वर्कर बी का फाइंड किया आंसर 16%। सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वर्कर ए इज मोर, तो वेरिएशन पूछा है तो वर्कर ए की जॉब में ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे है। इलस्ट्रेशन नंबर 21, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर एस फॉलोज, वेट आपको दिया है, हाइट दिया है, तो मीन दे के रखा है दोनों का अलग अलग, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, वेट दोनों का अलग अलग। ओके, वेयर डू यू फाइंड मोर वेरिएशन, वापस से फाइंड करना है, तो एस अपॉन एक्स बार वेट का किया मैंने, एस अपॉन एक्स बार हाइट का किया मैंने, यहाँ पे वेरिएशन पूछा है, तो एस वी कैन सी हाइट में ज़्यादा वेरिएशन है 14.88। सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोर फॉर हाइट, वी कैन से दैट हाइट शोज मोर वेरिएशन। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ओनली टू यू गॉट टू लर्न इन ईच ऑफ दैट इज मोर देन इनफ, डेफिनेशन क्लियर एंड प्रिसाइज, सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ डिस्पर्सन माना जाता है, ये सूटेबल है फॉर अलजेब्रिक कैलकुलेशन। ओके, हम मानते हैं ये सूटेबल है फॉर अलजेब्रिक कैलकुलेशन माना जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन एक मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ डिस्पर्सन भी माना जाता है। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे, कंप्यूटेशनल स्टैंडर्ड डिविएशन एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे है। ओके, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन गेट अनड्यू इंपॉर्टेंस, जो काम के नहीं है उसको भी इंपॉर्टेंस हम दे के रखते हैं, इनका मानना ऐसा है। ओपन एंडेड क्लासेस के अंदर ये हम फाइंड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, 4.5, जिससे बैट्समैन ए और बैट्समैन बी दे के रखा था, सेम भी आपको सैर्स की प्राइस सैर ए प्राइस सैर बी दे के रखा है, आपको सेम मेथड से आप फाइंड कर लोगे तो भी आपका चलेगा। यहाँ पे आपको वेरिएशन पूछा है, तो सी वी का आंसर जिसका बड़ा वाला है दैट प्राइस ऑफ सैर्स में ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे है। उसके बाद नंबर 2, मीन दे के रखा है कंपनी ए कंपनी बी का, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, दे के रखा है कंपनी ए और कंपनी बी का, आपको पूछा है स्टेबिलिटी किसकी है, तो एस अपॉन एक्स बार कंपनी ए का करोगे 600/30 × 100, फिर कंपनी बी का करोगे 2100/84 × 100, जिसका भी वेरिएशन जिसका आंसर छोटा आएगा दैट कंपनी हैज मोर स्टेबिलिटी इन सैलरी। देन नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू सीरीज आर 30% and 25%, आपको सीधा सी वी का आंसर दे के रखा है 30 and 25, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दे के रखा है 15 और 9। तो पहले करता हूँ मैं टू सीरीज में से फर्स्ट सीरीज का करता हूँ, सी वी इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, सी वी 30 इक्वल टू एस आपको दिया 15 अपॉन एक्स बार पता नहीं है मल्टीप्लाई बाय 100, वापस से बताऊँ 30 इक्वल टू 15 अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो एक्स बार उस तरफ गया लेफ्ट साइड पर, 30 नीचे आ गया, तो हो गया एक्स बार इक्वल टू 15 अपॉन 30 इंटू 100। ओके, 15 अपॉन तो आ गया आपका आंसर 50%। सेम वे सीरीज सेकंड का करते हैं, 25 इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स बार इंटू 100, वापस एक्स बार लेफ्ट साइड पे गया, 25 नीचे आ गया, तो 9 अपॉन 25 इंटू 100, तो एक्स बार का आपका आंसर आएगा वन सेकेंड यहाँ पे 9 4 36। ओके, तो एक एक्स बार का आंसर आया मेरा 50, सेकेंड एक्स बार का आंसर आया मेरा यहाँ पे 36। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंडेड, नाउ विल बी सॉल्विंग कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, यहाँ पे जैसे कंबाइंड मीन था n1 x bar 1 + n2 x bar 2 / n1 + n2, वैसे ही यहाँ पे करना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके ओके, तो पहले कंबाइंड मीन उसके लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा, सो कंबाइंड मीन की फॉर्मूला एज यू कैन सी
n1 x by 1 plus n2 x by 2 upon n1 plus n2। कंबाइन मीन फाइंड कर लेने के बाद आपको फाइंड करना है d1 और d2। d1 की फॉर्मूला x by 1 माइनस x by c और d2 की फॉर्मूला x by 2 माइनस x by c। ये फाइंड कर लेने के बाद आपको कंबाइन साइन ऑफ डिविएशन के अंदर पुट अप करना है अंडर रूट n1 ब्रैकेट s1 स्क्वायर मतलब साइन ऑफ डिविएशन का स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2 पूरा रूट के अंदर लिखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 22। 5 ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ द टू ग्रुप्स g1 एंड g2 आर गिवन बिलो। g1 दे के रखा है g2 दे के रखा है ओके। तो पहले आपको मीन फाइंड करना है फिर आपको s फाइंड करना पड़ेगा ओके। तो xi दिया है उसको प्लस किया 25 आया तो x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। मैं g1 का करता हूँ जो g1 में करना है ग्रुप 1 में करना है वही सेम ग्रुप 2 में करना है। तो मैं ग्रुप 1 समझाता हूँ ग्रुप 2 आप कुछ समझ सकते हो। ग्रुप 1 में xi दिया है उसको प्लस किया तो मुझे मिला सिग्मा xi x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। अब मैं लिखता हूँ x बार 1 x बार 2 दो को अलग अलग करना पड़ेगा दैट्स व्हाई नंबर दे दिया मैंने 1 और 2 का ओके। तो x बार 1 का आंसर आया मेरा 5। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए मुझे डिविएशन फाइंड करने पड़े ओके। 1 माइनस 5 माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 2 5 माइनस 5 इज 0 7 माइनस 5 इज 2 एंड 9 माइनस 5 इज 4। उसका स्क्वायर किया माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 0 का स्क्वायर 0 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 टोटल आया मेरा 40। तो आ गया एस की फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन ओके। सीधा इन्होंने s1 स्क्वायर किया बिकॉज फॉर्मूला मुझे s1 स्क्वायर चाहिए रूट की जरूरत नहीं है तो वेरिएंस से फाइंड कर लिया सीधा इन्होंने सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n1 40 बाई 5 इज 8। गॉट द आंसर फॉर s1 स्क्वायर इज 8 ओके। कंबाइन मीन जैसे मैंने s1 स्क्वायर किया एक्स बार 1 किया वैसे ही आपको एक्स बार 2 करना है h2 का स्क्वायर फाइंड करना है। कंबाइन मीन की फॉर्मूला n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 था 5 एक्स बार 1 था 5 n2 था 5 एक्स बार 2 था 6 अपॉन 5 प्लस 5। सॉल्व किया इसको मेरा आंसर आया 5.5 55 बाई 10 दैट इज 5.5। फिर d1 फाइंड किया एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी एक्स बार 1 था मेरा 5 एक्स बार सी का आंसर था 5.5 तो माइनस 0.5। फिर d2 फाइंड किया एक्स बार 2 था 6 माइनस 5.5 एक्स बार सी 0.5। पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला स्टैंडर्ड कंबाइंड डिविएशन एस सी इक्वल टू अंडर रूट n1 ब्रैकेट s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 h2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। n1 इज 5 s1 स्क्वायर अपना 8 आया था प्लस d1 का स्क्वायर करना है तो माइनस 0.5 का स्क्वायर करना है प्लस n2 5 था h2 स्क्वायर का आंसर भी 8 आया था मेरा प्लस d2 का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। सॉल्व किया उसको मैंने यहाँ पे 5 इंटू 8 प्लस 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 तो 8 प्लस 0.25 से 8.25 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 0.5 का स्क्वायर इज 25 तो 8 प्लस 0.25 8.25। दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 8.25 प्लस 5 इंटू 8.25 दैट इज 41.25 प्लस 41.25 होल अपॉन 10 तो 82.5 अपॉन 10 दैट इज 8.25 रूट के अंदर। उसका रूट किया मैंने आंसर आया मेरे यहाँ पे 2.8723। अगर हमें पूछा होता कोएफिशिएंट ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हमें पूछा होता कोएफिशिएंट ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन तो मैं यहाँ पे करता एस सी अपॉन एक्स बार सी। एस सी का आंसर 2.87 एक्स बार सी का आंसर था मेरा यहाँ पे 5.5 तो मैं मुझे मिल जाता कोएफिशिएंट ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। सो विद दिस आई एंड अप द चैप्टर ओके। मैक्सिमम थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप even the illustrations we have done exercise part I have already told you how to solve the exercise okay so now I hope so chapter is very much clear. In the following lectures I will be taking the sections in which the sums are there section C D E and F wherever the sums are there I feel so ki hum is tarike se aap kar sakte hain that will help you out in solving the sums for exercise even okay. Till that time stay home stay safe and keep learning. Thank you all once again.